वेलकम टू माई चैनल स्माइली सोनम अगेन। तो आज का वीडियो फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ के बारे में, जिसमें ना कि स्ट्रेटनिंग, सॉफ्टनिंग, लॉन्गेस्ट हेयर या शाइनिंग, हर चीज़ आपको ये एक मास्क में ही मिल जाएगा। आप देख सकते हो मेरे बाल यहाँ पे स्ट्रेट है, जहाँ पे मुझे कंघी की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में अपने हाथों से भी अपने बालों को स्ट्रेट कर देती हूँ। तो इस मास्क को लगाने के बाद आपको पार्लर जाके अपने बालों को स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग में पैसे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे पॉसिबल करने के लिए आपको ये मास्क लगाना होगा। देखिए, जब बालों की बात आती है तो बाल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए। चलिए फिर मास्क बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट। पहला है फेनुग्री, जिसमें होते हैं हेयर ग्रोथ प्रॉपर्टी। सेकेंड है ऑनियन सीड, जो एलोपेशिया को नेचुरली ट्रीट करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक देखना है। इसके लिए आपको 2 टेबल स्पून मेथी दाना लेना है, ऑनियन सीड लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, थोड़ा स्टिकीनेस रहता है। इस स्टिकीनेस से ही आपके बाल स्ट्रेट होते हैं नेचुरली। चलिए फिर होता है यहाँ पे तीसरा इंग्रेडिएंट, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट उसके लिए उससे पहले आपको इसे ग्राइंड करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे पेस्ट बनाना है। और ये रहा तीसरा इंग्रेडिएंट, जो कि मेरा फेवरेट है। सारे बेनिफिट भी स्क्रीन पर ही दिए गए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए, ताकि इस तरह से ये आपके बालों में भी बने रहे और यहाँ वहाँ ना गिरे। अच्छी तरह से पूरे बालों में आप इसे लगा लीजिए, अच्छी तरह से एक एक स्ट्रैंड्स जो बालों के हैं उसमें लगाना है। अगर इसे अच्छी तरह से आप लगाओगे ना गाइस, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, बिल्कुल भी आपको आलसपन नहीं दिखाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हेयर रिलेटेड बने हुए हैं, उससे जानने के लिए आप एंड में देखेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें हेयर केयर के सारे वीडियोज़ हैं। तो इसे आपको 1 घंटे में वॉश कर देना है, और 1 घंटा वॉश करने के बाद आपके बाल कुछ इस तरह से दिखेंगे। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई एम श्योर गाइज, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूँ, इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको और कोई चीज़ अपने बालों में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो मेरे बालों को कि हाउ चेंजेस, लाइक कितना चेंजेस हुआ है मेरे बालों में, कितने ज़्यादा डिफरेंस आए हैं। बाल कटिंग करने से पहले मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे थोड़े बाल काटने हैं या बड़े बाल काटने हैं, बिकॉज मैं ये सारे DIY रेमेडी फॉलो करती हूँ। सो आई नो कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे बाल मिल जाएंगे और मेरे बाल अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप भी इस चीज़ों को ट्राई कीजिए, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।